We want justice. 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 Justice. We want 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 justice. कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, हाईली स्किल्ड हूँ। ये इन्होंने हमारी सैलरी लगभग बंद की थी टिल 2022 से। इन्होंने सितंबर से एक कॉन्ट्रैक्टर लाया था, तो हमारी सैलरी पहले एज आ थ्रू क्लब निकलती थी। तो एज अ लॉ हम इनसे कह रहे हैं कि हमें वीकली ऑफ डे भी होना चाहिए और एज पर स्किल्ड सैलरी होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला यहाँ पर कुछ विंटर्स में काम नहीं है, तो यहाँ पर हमें निकाला गया है। तो इन्होंने नए बंदे लाए जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है अभी, तो उसने नए बंदे लाए। अगर यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है तो नए बंदे कैसे आए? सर इन्होंने रखा था हमें जो कॉन्ट्रैक्टर वो एज वो आर एच जी सी में होता है, उसकी डिटेल्स हमें पता ही है 20 तारीख से। अब आप क्या चाहते हैं? ये हम एज अ हम अपना ना ये जस्टिस चाहिए, जवाब भी चाहिए। हमें काम से क्यों निकाला गया है कि हम इसका जवाब चाहिए। मेरा नाम बशीर अहमद पांडव है, मैं कश्मीर गॉफ क्लब में समझो आप बूढ़ा पे हो गया इधर उसी गॉफ कोर्स में। तो जब से ये नया गॉफ कोर्स बना है तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो हमें कॉन्ट्रैक्टर थ्रू काम कर रहे हैं यहाँ। लेकिन बीच बीच में हमें क्लब भी तनख्वाह सैलरी दे रहा था, तो अचानक से अभी 20 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया। यहाँ प्रोटेस्ट नहीं किया, हम बैठे रहे कि हमारी सैलरी दे दो, कि इन्होंने अचानक हमें यहाँ से छुट्टी कर दिया। और जब हम इनके पास गए तो इन्होंने कहा जो AAA है वो सेक्रेटरी साहब हैं उनके पास भी गए, उन्होंने कहा कि ये अब कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब हम उनके पास गए तो वो क्या ना फ़ोन उठा रही है ना हमारी सैलरी छोड़ रही है, तो वो बोल रही है नहीं नहीं मैं करूँगा कुछ, तो करती कुछ नहीं है। उसने अपने बंदे लाए जो आने ये काम नहीं जानते गॉफ कोर्स क्या है, उनको पता नहीं है गॉफ कोर्स का। जबकि हम मशीनरी भी चला रहे थे यहाँ, हम बंकरों में काम भी कर रहे थे यहाँ, ग्रीन मोर चला रहे थे, टी मोर चला रहे थे, बाकी मशीनरी है सारे चला रहे थे हम, लेकिन ये कुछ नहीं करते, ये हमें निकाल रहे हैं यहाँ से। अब देखिए मुझे यहाँ देखिए 10 साल हो गए मुझे यहाँ, ये सारू को मुझे ही नहीं सारू को, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हमारे ऊपर। 18 आदमी है यहाँ, तो हमने इनको बोला था सैलरी छोड़ दो, इन्होंने 18 आदमी इन्होंने कहा कि हम आपको मंडे को दे देंगे, यानी कि वो तारीख था 13 तारीख, 20 तारीख तक इन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए। हम इसीलिए यहाँ आ गए, कोर्स में ही थे, बाहर नहीं निकले हम ना कहीं किसी मीडिया के पास गए। हमने इनसे फ़ोन किया कॉन्ट्रैक्टर को कि हमें सैलरी छोड़ दो, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। नवंबर की और दिसंबर के 20 दिन जब से हमें निकाल दिया, अब वो वहाँ से तब से वो ना हमारी फ़ोन उठा रही है ना कुछ बातें सुन रही है। किसी के पास जाओ बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ, कॉन्ट्रैक्टर फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। ना क्या करें सर, इसी वजह से कि हमने सैलरी मांगी थी और कुछ नहीं। अरे आपकी बात नहीं सुनी गई तो क्या रहेगा अगला हमारा रहेगा, या तो हम खुदकुशी करेंगे या तो हम अपने आयाल को जहर देंगे अपने बच्चों।